की हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया पिपराई चीनी मिल का निरीक्षण, कहा पिपराई चीनी मिल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 को करेंगे उद्घाटन। पुलवामा के शहीदों को भाजपा विधायक और गोरखपुर संगठन के प्रभारी पंकज सिंह ने दी श्रद्धांजलि। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पंकज सिंह ने कहा शहीद हुए जवानों के परिजनों के साथ है पूरा देश। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर बीजेपी ने अमर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, कहा देश का नेतृत्व योग प्रधानमंत्री कर रहे हैं, भारत पाकिस्तान को सिखाएगा सबक। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन और पीएम के रैली स्थल की तैयारियों का सीएम योगी ने किया निरीक्षण, तैयारियों में तेजी लाने के दिए निर्देश। पुलवामा में हुए आतंकी हमले और नवजोत सिंह सिद्धू के बयान के विरोध में विभिन्न दलों के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूका पुतला किया प्रदर्शन। नवागत नगर आयुक्त ने संभाला कार्यभार, कहा बड़ी है क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्वच्छता पर रहेगा विशेष ध्यान, जनता का चाहिए सहयोग। भाजपा के प्रदेश महामंत्री गोरखपुर क्षेत्र के संगठन प्रभारी विधायक पंकज सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई भाजपा किसान मोर्चा की बैठक, 23 और 24 को होने वाले किसान सम्मेलन के सफलता की बनी रणनीति। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पाकिस्तान के खिलाफ खोला मोर्चा, आतंकवाद का फूका पुतला, पाकिस्तान को जलाकर राख करने की हुई मांग। बुध से कबीर तक ट्रस्ट के तत्वावधान में 3 दिवसीय यात्रा हुई संपन्न, डॉक्टर विनोद कुमार मल ने कहा इस यात्रा का उद्देश्य है भाईचारा और सामाजिक सद्भाव को कायम रखना। चिकित्सा शिक्षा लैब टेक्नीशियन वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का द्वितीय द्विवार्षिक अधिवेशन हुआ संपन्न, संघ में सर्वसम्मति से चुने गए पदाधिकारी। पटरी व्यवसायी और व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, मशाल जुलूस निकालकर आतंकवाद का किया विरोध। पुलवामा के शहीदों के याद में निकाला गया कैंडल मार्च, दी गई श्रद्धांजलि। युवाओं ने फूका आतंकवाद और इमरान खान का पुतला, युवाओं ने कहा स्थानीय नेताओं की मिलीभगत से घटना को दिया गया अंजाम। अमर शहीदों को कैंडल मार्च निकालकर नागरिकों ने दी श्रद्धांजलि, पाकिस्तान के खिलाफ फूटा गुस्सा, अमर जवानों की शहादत का बदला लेने की हुई मांग। राष्ट्रीय युवा कौशोधन वैश्य महासभा ने अमर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, पाकिस्तान का फूका पुतला। भारतीय बेलदार जन जागरण महासभा ने देश के वीर शहीदों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि, कहा देश की सरहद पर जाने को बेलदार समाज का तैयार है एक एक बेटा। और सीआरपीएफ जवानों की शहादत पर भावुक हुई ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्ती, कल्याण सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष किया नमन, कहा ना मनाए वैलेंटाइन डे, याद करें शहीदों को।